Hello, my dear students, how are you all? I hope you will find and I welcome you to the science class for class 5th. And today we are going to start the new chapter that is chapter number 1 Bones and Muscles. Okay, so without wasting time, let's get started. So, as we all know, that every living organism, okay, every living organism, whether they are plant, whether they are animal, whether they are plant, whether they are animal, और वेदर दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओके ऑल दे आर मेड अप ऑफ सेल्स किससे बने हैं वो चाहे प्लांट हो वो चाहे एनिमल हो या कोई और माइक्रो ऑर्गेजम हो सब लोग किससे मिल के बने सबकी बॉडी किससे मिल बनी है सेल से एक छोटी सी छोटे छोटे चीज़ों से मिल बनी है जिसको बोलते हैं सेल ठीक है जैसे कि एक घर होता है तो जो घर बना होता है वो किसका बना होता है वो ब्रिक जो ईंट होती है एक एक ईंट को ज्वाइंट करने के बाद में पूरा बिल्डिंग बनता है ना वैसे जो हमारे छोटे छोटे सेल हैं उस छोटे छोटे सेल को मिला के हमारी पूरी बॉडी या किसी भी आ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी होती है किसी भी जानवर की या किसी भी प्लांट की या किसी ह्यूमन बींग की जो बॉडी बनी है वो किससे मिल बनी है सेल्स से ओके यस तो जो हमारे जो सेल होते हैं उससे मिलके हमारा बनता है टिश्यू ठीक है देन टिश्यू बहुत सारे ऐसे टिश्यू मिलके क्या बनते हैं ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन मतलब क्या ऑर्गन मतलब कि हार्ट हो गया लंग्स हो गया लीवर हो गया ब्रेन हो गया बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं तो ये ऑर्गन जो बने हैं ये मिल बने हैं टिश्यू से और टिश्यू किससे मिल बना है ये मिल बना है सेल से ठीक है और फिर बहुत सारे और भी चीज़ें ऑर्गन के साथ मिल के बनाती हैं ऑर्गन सिस्टम और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम और अदर थिंग मिल के पूरा हमारे बॉडी को कंप्लीट बनाते हैं ठीक है यस yes. अभी हमारे बॉडी में बहुत सारे बॉडी सिस्टम हैं जैसे स्केलेटन सिस्टम है स्केलेटन सिस्टम का क्या काम होता है हमारे बॉडी को सेफ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है देन हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम है जो हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है ठीक है फिर हमारे बॉडी में होता है सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है यानी जो ब्लड वाला सिस्टम है पूरा ब्लड हमारे बॉडी में से फैला है स्प्रेड है तो इससे क्या होता है कि जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो हमारे बॉडी पूरे बॉडी को पहुंचाता है ऑक्सीजन कौन ब्लड ओके देन लंग्स विद द हेल्प ऑफ लंग्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है रेस्पिरेटरी सिस्टम सो रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या होता है कि जो भी हम ऑक्सीजन हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं और अपने बॉडी से जो सी टू है उसको बाहर निकालते हैं ओके यस। देन हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम सो डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या होता है जो भी हम लोग खाना खाते हैं द फूड वी कंज्यूम इट इज़ बीग यूटिलाइज बाई आवर बॉडी ओके okay. जो भी फूड खाते हैं हमारे बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है और हम उससे काम करते हैं या और भी बहुत जगह यूज करते हैं ठीक है देन है ये मसल सिस्टम मसल सिस्टम से क्या होता है कि हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और हम लोग मूव कर पाते हैं ठीक है हम अपने बॉडी को मूव करा पाते हैं और हम खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं और डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं ओके okay? यस yes. ओके नेक्स्ट स्केल्टन सिस्टम सो अभी इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्केल्टन सिस्टम तो स्केल्टन सिस्टम जो भी हमारे बॉडी में जो भी बोन्स हैं उन बोन्स को मिला के जो भी बना है वो वो है हमारा वो स्केल्टन सिस्टम ओके ये है पूरा हमारा स्केल्टन सिस्टम ठीक है यस yes. तो ये जो बोन्स हैं ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी को शेप देते हैं ठीक है शेप uh, देते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ये हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं हमारी बॉडी में होते हैं टू हंड्रेड एंड सिक्स बोन्स होते हैं ठीक है यस द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ़ स्केल्टन सिस्टम तो जो भी हमारा बोन स्कैल्टन सिस्टम है ये इसका फंक्शन क्या है वॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्कल्टन सिस्टम ओके सो इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड इट प्रोवाइड सेफ एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी ओके इट प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स वाइटल ऑर्गन्स व्हाट यू मीन यानी जो भी यहाँ पे हमारे ब्रेन है यहाँ पे लंग्स है और हार्ट है उसको uh, सब प्रोटेक्ट uh, करता है ये जो स्केल्टन सिस्टम है है ना यस इट अलाउ मूवमेंट इट हेल्प इन मूवमेंट ये जो स्कल्टन सिस्टम इसकी वजह से हम लोग मूव कर पाते हैं इट स्टोर मिनरल्स इट ऑल्सो एड्स रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन ओके जो बोन होती हैं उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल हैं उसका प्रोडक्शन होता है एंड स्टोर केमिकल एनर्जी ओके यस सो ये सब है फंक्शन वर्क किसका स्कल्टन सिस्टम का द नेक्स्ट इज बोन मैरो अब बोन मैरो क्या होता है कि जो हमारी बोन है वो अंदर से ऐसे भरी नहीं है इट इज़ नॉट सॉलिड इट इज नॉट फील्ड ओके जो हमारी बोन है उसके अंदर स्पेस होता है ठीक है तो वो जो स्पेस होता है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्लड वेसल्स होती हैं ठीक है वहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती हैं और यहाँ पे जो आर यानी रेड ब्लड सेल्स है उसका प्रोडक्शन होता है ठीक है इसी इस प्लेस को बोलते हैं बोन मैरो बी ओ ई बोन एम ए डबल आर ओ मैरो ओके यस तो जो बोन है हमारी उसके अंदर स्पेस है खाली जगह है वहाँ पे ब्लड वेसल्स है और वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है इस प्लेस को बोलते हैं बोन मैरो ओके देन नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन स्केल्टन पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केल्टन अब जो ह्यूमन स्केल्टन है यानी ये जो हमारा पूरा स्केल्टन सिस्टम है वो पूरा स्केल्टन सिस्टम इसमें बहुत सारे पार्ट है अलग अलग है ना इसमें इसके अलग अलग पार्ट हैं क्या क्या पार्ट है इसमें हमारा स्कल है इसमें हमारा रिब केज है इसमें हमारा बैकबोन है देन इसमें हमारे लिम्स हैं यानी फोर लिम एंड हैंड लिम ठीक है तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्कल है इसमें ट्वेंटी टू बोन्स होते हैं ठीक है ये जो बोन होती है पूरा फिक्स है ये क्या करती है हमारे जो ब्रेन है इसके अंदर क्या होता है हमारा ब्रेन होता है ना तो इसके हमारे ब्रेन को ये स्कल जो है प्रोटेक्ट करता है ठीक है और इसमें जो ये लोअर जॉ है ये दिस इज द ओनली मूवेबल जॉइंट ठीक है मतलब ये बाकी जो बोन है इसको हम लोग मूव नहीं कर सकते ठीक है बट जो लोअर जॉ है उसको हम लोग मूव कर सकते हैं ठीक है यस देन हमारे पास ये है बैक बोन बैक बोन तो ये बैक बोन क्या करती है हमारे बॉडी को स्ट्रेट रखती है प्लस इसके हेल्प से हम लोग बेंड कर पाते हैं हम लोग झुक सकते हैं खेल सकते हैं दौड़ सकते हैं ठीक है तो ये जो है ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बहुत सारे ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर को एक के ऊपर जब कॉइन्स को कैसे एक के ऊपर एक रखेंगे तो बनता है वैसे ही वैसे ही हमारा बैक बोन बना हुआ है ठीक है यस सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बैकबोन ये जो बैकबोन है इसका क्या फंक्शन है ये जो इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जो जाता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है ठीक है यस देन नेक्स्ट इज एंड यस इसमें कितने बोन्स होते हैं हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन दिस थर्टी थ्री बोन आर देयर इन बैक बोन देन वी हैव रिप केज रिप केज में कितने बोन्स होते हैं ट्वेल्व दिस साइड एंड ट्व दिस साइड ठीक है फिर इसमें पीछे हमारा ये होता है बैक बोन होता है और आगे एक चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन होती है ठीक है ये ये जो है ये ब्रेस्ट बोन होगी और पीछे के साइड होगी बैक बोन ठीक है यस सो so, जो टेन पेयर है एक साइड में कितनी टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन जो बोन्स हैं वो पीछे से लेके आगे तक ऐसे गई हैं ठीक है और दो लास्ट की बोन है वो आगे नहीं जॉइंट है उनको बोलते हैं फ्लोटिंग बोन्स ठीक ओके यस देन वी हैव अ लिम्स एल आई एम बी एस लिम्स लिम्स में दोनों आ जाते हैं ये जो हाथ के बोन है उसको बोलते हैं फोर लिम एफ ओ आर फोर लिम एंड जो पैर के लेग हैं उसको पैर के बोन हैं उसको बोलते हैं एच आई एन डी हाइड लिम एच आई एन डी एल आई एम बी हाइंड लिम ओके यस सो जो हमारे फोर लिम है इसमें जो अपर बोन है इसको बोलते हैं ह्यूमरस एच यू एम यू आर यू एस ह्यूमरस देन जो नीचे की बोन है इसमें दो बोन होती हैं एक होती है रेडियस और एक होता है अल्ना, ए एल अल्ना ओके देन वी हैव अ फिंगर बोन्स देन इन हाइंड हाइंड हाइडलिम में जो जो हमारी थाई बोन होती है उसको बोलते हैं फीमर एफ ई एम यू आर फीमर ओके देन इन अ लोअर लेग वी हैव टीबिया टी आई डी आई टीबिया एंड फीबूला एफ आई बी यू एल ए टीबिया एंड फीबूला देन वी हैव एंकल एंड टो बोन्स ओके यस सो देट सॉल्व फॉर टूडे इफ़ यू हैव ओनी डाउट प्लीज आस्क और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं उसको अटैम्प करना है ठीक है लाइक वाट आर द फ्क्शंस ऑफ स्केटन सिस्टम स्केल्टन सिस्टम के क्या फंक्शन है ओके okay, तो ये आपको लिखना है देन स्टेट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्कल्टन सिस्टम सो इसमें क्या करना है इसमें आपको बताना है स्कल देन बैकबोन देन लिम्स ओके एंड रिपकेज Okay, so that's all. Thank you so much. Keep shredding. Bye bye.